वेलकम स्टूडेंट्स इन योर फिफ्थ लेक्चर. स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट एनिमल्स और पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स इसमें कुछ एनिमल्स आपको बताए गए हैं जो एनिमल्स आपको बाहर पाए जाते हैं और उनकी कुछ खासियत के बारे में भी इसमें बताया गया है. एंड ऑस्ट्रेलियन बर्ड हु कॉल इज लाइक लाउड इकोइंग ह्यूमन लाफ्टर. कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा बर्ड है जो कि आवाज़ जो उसका निकलता है वो ऐसे निकलता है जैसे इंसान हंसता है जोर जोर से. और उस बर्ड का नाम है कुकाबुरा. उस बर्ड का नाम है कुकाबुरा. ए फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड. ऐसा न्यूजीलैंड का बर्ड जो उड़ नहीं सकता है तो वो है आपका कीवी. एंड ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड डॉग. ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड डॉग कहने का मतलब होता है जंगली कुत्ता. तो वो कौन सा है? डिंगो है. ए माउंटेन लायन फाउंड इन अमेरिका. ऐसा लायन जो माउंटेन में फाउंड होता है अमेरिका में उसका नाम है प्यूमा. ए लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ साउथ अमेरिका. कहने का मतलब है ऐसा बर्ड जो फ्लाइटलेस है और जो साउथ अमेरिका में मिलता है वो है आपका रिया. ए फ्लाइंग मैमल. फ्लाइंग मैमल है आपका बैट. ए लॉन्ग स्नेक लाइक फिश ईल. ऐसा फिश जो सांप की तरह दिखता है उसका नाम है ईल. ए बर्ड इन विच द मेल स्पेसीज ग्रोज ब्लैक फीदर ऑन इट्स हेड ड्यूरिंग मेटिंग सीजन. कहने का मतलब ऐसा सीजन आता है जिस समय में जो नर और मादा दोनों पक्षी एक साथ रहते हैं ऐसे सीजन में जो एक पंछी है उसके सर के ऊपर ब्लैक फेदर निकल के आता है उस पंछी का नाम है हेड हॉग. उस पंछी का नाम है हेड हॉग. और आपका है एन इंसेक्ट ईटिंग एनिमल हुज सेंस ऑफ स्मेल अलाउज इट टू डिटेक्ट ए वॉर्म अंडर द ग्राउंड. वो है आपका हेड हॉग. कहने का मतलब है कि ऐसा इंसेक्ट जो मिट्टी के अंदर यानी धरती के अंदर अगर कोई वॉर्म है तो उसको भी वो सुन सकता है, सूंघ सकता है, उसको महसूस कर सकता है कि हाँ वो वहाँ पे है. यानी उससे जो स्मेल आता है किसी वॉर्म से उसको उसके स्मेल से वो फील कर लेता है. तो उसका है हेज हॉग. और लास्ट है आपका ए सी लविंग मैमल विच इज़ वेरी क्लोज टू एक्सटिंक्ट. कहने का मतलब है एक ऐसा सी मैमल जो अब लगभग समाप्त होने वाला है उसका नाम है आपका डगोंग. उसका नाम है डगोंग. और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना एक तरीका जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को लिखा है सेम आप लोग भी इसी तरीके से लिखेंगे. आप लोग किसी प्रकार का लाइनिंग वगैरह नहीं देंगे जिससे आपका बुक गंदा दिखे. और स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को आप अपने बुक के साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखेंगे. और इसके साथ ही आपका ये लेसन 6 समाप्त होता है. स्टूडेंट्स अब आइए नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं, पार्क एंड सेंचुरीज. तो आइए पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये. टुडे मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर फियर्ड ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि नियर फ्यूचर में यानी आने वाले भविष्य में कुछ ऐसे प्लांट्स की प्रजाति हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो समाप्त हो जाने वाले हैं क्योंकि उनकी जो संख्या है बहुत कम रह गई है. अब वो लोग लुप्त हो जाएंगे, वो अब दोबारा हमें कभी नहीं मिलेंगे. टू प्रोटेक्ट देम इन देयर नेचुरल हैबिटेट. और उनकी सुरक्षा के लिए उनको जिस तरह का प्राकृतिक वातावरण चाहिए ऐसे के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने एस्टैब्लिश किया है बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसमें वो अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने आप को यानी अपनी संख्या को बढ़ा सके नेचुरल तरीके से. तो स्टूडेंट्स ये पार्क्स और सेंचुरीज जो हैं आपको पता है लगभग जिस भी स्टेट्स में हैं उन स्टेट्स के नाम भी आगे दिए हुए हैं. स्टेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेशनल पार्क और सेंचुरीज के नाम है. तो इन सभी के कौन सा जो पार्क है या सेंचुरीज है वो कौन से स्टेट में है इस चीज़ को हमको मेंशन करना है यहाँ पे.
तो आइए स्टूडेंट्स इसमें नाम पढ़ते हैं हम लोग, बुधवा नेशनल पार्क। तो बुधवा नेशनल पार्क आपका है उत्तर प्रदेश में, गिर नेशनल पार्क ये आपका है गुजरात में, हजारीबाग नेशनल पार्क ये आपका है झारखंड में, डेकिंगम सेंचुरी है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, बिम्बंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका बिहार में, जल्दापाड़ा सेंचुरी है आपका वेस्ट बंगाल में, कंचनजंगा नेशनल पार्क है आपका सिक्किम में, मधुमलाई सेंचुरी है आपका तमिलनाडु में, पेरियार सेंचुरी है आपका केरला में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में, कान्हा नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में, सरिस्का नेशनल पार्क है आपका राजस्थान में, घाना नेशनल बर्ड है आपका राजस्थान में, काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका आसाम में, बांदीपुर नेशनल पार्क है आपका कर्नाटक में। तो स्टूडेंट्स इन सभी को आप बेहतर ढंग से प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे और प्रोनाउंस करने के साथ साथ आप इनको अच्छे ढंग से बुक्स और अपनी कॉपी में भी इसको लिखेंगे ताकि आपको आने वाले समय में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। इसको अगर बेहतर ढंग से आप प्रोनाउंस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप लोग अपने बुक्स और कॉपी दोनों में अच्छे से इन सभी चीज़ों को लिख लेंगे। और कॉपी में स्टूडेंट्स अगर आप लिखेंगे तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे आप बुधवा नेशनल पार्क लिख रहे हैं तो उसके आगे उत्तर प्रदेश लिख देंगे ताकि आपको अपनी अगर आपका बुक उस समय किसी समय ना मिले तो आपको कॉपी से ही काम चल जाए और किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सेम उसी तरह आप इसके डिफरेंट एनिमल के साथ भी करेंगे और पार्क एंड सेंचुरीज के साथ भी इसी तरीके से आप लिखने की कोशिश करेंगे। बुक में लिखने का तरीका ये होगा और कॉपी में लिखने का तरीका आपका जो होगा वो आपको जो आपका कॉलम ए है उसको लिखेंगे और उसके सामने जो कॉलम बी का जो आंसर है आपका उसको लिखेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं अपने आज का जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले क्लास के लिए स्टूडेंट्स बहुत जल्द आऊँगा मैं, तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम एंड स्टे सेफ।